हेलो स्टूडेंट, सो माई सेल्फ नरेंद्र कुमार फ्रॉम विद्यामंदिर क्लासेस। तो ये जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं 2013 के जो जेई एडवांस के पेपर्स हैं उनका डिस्कशन कर रहा हूँ, 13 एंड ऑनवर्ड। 2012 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं 2013 के पेपर वन का। तो देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं कर चुका हूँ, वापस से बता देता हूँ। देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है उसको अगर हम लाइट के कॉन्टैक्ट में लेकर के आएंगे या स्लाइटली थोड़ा सा टेम्परेचर में अगर चेंज होता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है, और जनरली नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से NO2 गैस जो है प्रोड्यूस होती है, वेल नोन है। जैसे आप सोडियम नाइट्रेट ले, ये क्या कहते हैं, जो डिकम्पोजेबल नाइट्रेट्स होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो जिनके अंदर कोवलेंट करेक्टर्स होंगे वो ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, और नाइट्रेट्स NO2 एंड H2O जो है वो नाइट्रेट्स NO2, H2 और O2 के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा। सो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अपॉन लॉन्ग स्टैंडिंग टर्न्स येलो ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो इसका आंसर जो हमारा बी आंसर था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सल्फाइड ओर्स आर कॉमन फॉर द मेटल्स। तो सल्फाइड ओर्स जो हैं वो कॉमन किस किस के लिए, ये हमें बताना। तो देखिए, सिल्वर सल्फाइड ओर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कॉपर भी सल्फाइड ओर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो हम कॉपर पायराइट्स कहते हैं, CuFeS2। लेड भी सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज गैलेना। नाउ बी ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो इसमें सिल्वर के लिए सल्फाइड ओर होगा, कॉपर के लिए सल्फाइड ओर होगा, लेकिन टिन का सल्फाइड एग्जिस्ट नहीं करता है एज ए ओर। ओर की फॉर्म में टिन जो है वो बेसिकली ऑक्साइड्स की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली जो हमारे पास में एल्कली मेटल्स हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनके सल्फाइड्स तो हाईली सॉल्युबल होते हैं, तो ये ओर्स की फॉर्म में तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं यहाँ पे। और सेम थिंग जो है आप यहाँ पे कह सकते हो कि एल्यूमिनियम का भी सल्फाइड जो है वो ओर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हाईली सॉल्युबल होंगे यहाँ पे। तो देखिए, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन के अंदर एल्यूमिनियम की वजह से ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, सी ऑप्शन मैग्नीशियम की वजह से ये आंसर नहीं हो सकता है, और बी ऑप्शन जो है वो टिन की वजह से ये आंसर नहीं हो सकता है। तो ए ऑप्शन अप्रोप्रिएट है यहाँ पे, सल्फाइड ओर्स आर कॉमन फॉर दी सिल्वर कॉपर एंड लेड, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। तो ये ए आंसर आ गया। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, अपॉन ट्रीटमेंट विथ अमोनिकल H2S द मेटल आयन दैट प्रेसिपिटेट एज सल्फाइड इज। ये अमोनिकल H2S है, तो अमोनिकल H2S जो होगा मतलब एल्कलाइन मीडियम में H2S है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अमोनिकल H2S का मतलब हो गया कि एल्कलाइन मीडियम के अंदर H2S है। तो एल्कलाइन मीडियम में अगर आप H2S पास करेंगे तो एसिडिक मीडियम में जो एज ए सल्फाइड प्रेसिपिटेट होते हैं वो भी एल्कलाइन मीडियम में भी हो जाएंगे, है ना, तो ये ध्यान रखना हमें। तो देखिए, फेरिक जो है वो अमोनिकल सोल्यूशन, अमोनिकल H2S किसी फेरिक सॉल्ट के फॉर्म में अगर किसी फेरिक सॉल्ट के थ्रू पास करेंगे तो ये फेरिक रिड्यूस हो जाएगा फेरस के अंदर, प्रेसिपिटेट जो है वो नहीं ऑब्टेंड होगा, ठीक है, सल्फाइड का प्रेसिपिटेट नहीं होगा। यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है, वो प्रेसिपिटेट बनता है सल्फर का, कोलाइडल सल्फर ऑब्टेंड होता है यहाँ पे, लेकिन सल्फाइड प्रेसिपिटेट नहीं होता है। फेरिक जो है H2S को ऑक्सीडाइज कर देता है एलिमेंटल सल्फर के अंदर। तो और एल्यूमिनियम का प्रेसिपिटेशन तो होना ही नहीं है, अमोनिकल सॉल्यूशन के अंदर H2S पास कर देंगे तो मैग्नीशियम भी प्रेसिपिटेट नहीं होगा। जिंक अमोनिकल H2S के पास करने से एज ए जिंक सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा एल्कलाइन मीडियम के अंदर। तो डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होना चाहिए, ये डी आंसर इसका आ गया हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस P, Q and R। तीन कॉम्प्लेक्स आयंस गिवन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयंस अकॉर्डिंग टू देयर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे सिंपल से अगर आप लिगेंड्स को अगर देखेंगे तो एक तो फ्लोराइडो लिगेंड्स है और वाटर लिगेंड्स है, लिगेंड्स जो है वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, तो किसमें कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो उनकी पेयरिंग तो होगी नहीं यहाँ पे, तो जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है उसी के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो FeF6 3 के माइनस के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पे आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और आयरन जो होता है 3D6 4S2 होता है, तो 3D6 4S2 में से तीन इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकाल देने तो 3D5 रह जाएगा। तो 3D5 के अंदर ये F- वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे, ठीक है। नाउ वेनेडियम को अगर हम देखेंगे तो इसका जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो 23 होता है, तो ये 3D3 4S2 होता है, और यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हमें नजर आ रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 ही हो सकते हैं, और वो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन P के अंदर हमें नजर आ रहा है, तो P का जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो सबसे ज्यादा होगा। तो A ऑप्शन और B ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। और Q जो है हमारे पास में, उसके पास में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में जो मिनिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर हमें मिल सकते हैं, ठीक है, तो D2SP3 के अंदर वो एक हो सकता है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे,
तो क्यू का मैग्नेटिक मोमेंट जो है हमारे पास में वो आ गया। अब आर को कंपेयर कर लेते हैं, क्या ये आर जो है वो 3D6 4S2 आयरन के हिसाब से प्लस टू स्टेट में आयरन है, बाहर चला गया 3D6 हो जाएगा ये। अब 3D6 के अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें 4 मिल जाएंगे, तो ये ऑर्डर आ गया हमारे पास में। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पी के अंदर है, इसलिए इसका स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम होगा। मिनिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्यू में है, इसका स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट मिनिमम हो जाएगा और आर इंटरमीडिएट वैल्यू वाला हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और आयंस एग्जिबिटिंग द सेम काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म, सेम काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म होना चाहिए। तो इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो सकता है, इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो सकता है, इसमें जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सोच सकते हो या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को सोच सकते हो, बट ब्रॉडली हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बेसिस पे इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम ऑप्शन ए को अगर देखते हैं, तो ऑप्शन ए के अंदर हमारे पास में ये जो भी कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है और कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है, तो ये ए के अंदर एक में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और दूसरे के अंदर कोई आइसोमेरिज्म ही नहीं है, तो इसलिए ए डिस्कार्ड हो गया, ए कैन नॉट बी द आंसर। बी ऑप्शन को अगर देखते हैं तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए एक कॉम्प्लेक्स है, तो प्लेटिनम के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में अगर अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ लिगेंड्स अगर हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो बी के अंदर ये दोनों कॉम्प्लेक्सेज जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है जी। नाउ सी ऑप्शन को अगर देखें यहाँ पे कि ये कोबाल्ट है यहाँ पे और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और कोबाल्ट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास में प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो है कोबाल्ट आ गया है। तो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अगर कोबाल्ट आ गया है, कोबाल्ट होता है 3D7 4S2, तो D7 आ गया ये। अब D7 के अंदर ये Br- और Cl- लिगेंड है, तो टेट्राहेड्रल ही होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए टेट्राहेड्रल अगर है तो उसमें किसी भी टाइप की आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती है। जस्ट ऑल 4 लिगेंड्स आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, देन ओनली दे कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बट यहाँ पे चारों लिगेंड जो है वो डिफरेंट नहीं है। तो ये सी ऑप्शन के अंदर कोई, सी ऑप्शन के अंदर जो पहला कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर कोई कोई आइसोमेरिज्म नहीं होगी। सेकेंड के अंदर देखेंगे तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, लेकिन हमें दोनों सेम टाइप की आइसोमेरिज्म शो करने वाले होने चाहिए, तो बी आंसर तो होगा ही होगा, सी नहीं होगा। डी ऑप्शन को अगर देखोगे तो देखो ये दोनों प्लेटिनम टाइप के आ गए हमारे पास में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन यहाँ पर जो है ये कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, इसमें भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, बट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो सकती है, उसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो सकती है। हम नाइट्रेट को क्लोराइड से एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्लोराइड को ब्रोमाइड से एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये डी ऑप्शन भी हमारा आंसर होगा और इसके अंदर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जो है हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, तो बी एंड डी करेक्ट ऑप्शन हो गया इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, EDTA4- इज इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन, द टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल्स इन दिस COEDTA कॉम्प्लेक्स आयन इज। तो ये तो सिंपल सा आपको स्ट्रक्चर बना करके देखना है कि इसमें क्या स्ट्रक्चर्स बनेगा। तो EDTA जो है हमारा एक पॉलीडेंटेड लिगेंड है, इस पॉलीडेंटेड लिगेंड को अगर हम देखेंगे चिलेटिंग लिगेंड है, तो चिलेटिंग लिगेंड के अंदर जो चिलेशन होता है वो सिस पोजिशन पर ही हो सकता है, तो ये यहाँ पर हमारा बन गया। अब यहाँ पे हमें एसीटेट आयन को इसके साथ अटैच करना है, तो एसीटेट आयन हमारा ये इस टाइप से आ जाएगा CH2C(O-), एक यहाँ पे लग गया, एक एसीटेट आयन हम यहाँ लगा लेंगे, डबल बॉन्ड O हो गया, और एक एसीटेट आयन हम यहाँ पर लगा लेंगे इस ऑक्सीजन के साथ, और ये एक हमारे पास में एसीटेट आयन और यहाँ लगा रहेगा। तो ये सारे हमने इसके स्ट्रक्चर्स बना लिए। अब हमें नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो ये हमारे पास में यहाँ पे कोबाल्ट है, तो नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए एक तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल 1 और नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल 2, नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल 3 एंड नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल 4। एक नाइट्रोजन जो है वो 4 एंगल बना रहा है, देखिए एक ये एंगल हो गया, दूसरा ये एंगल हो गया, तीसरा ये एंगल हो गया और चौथा ये एंगल हो गया।
एक नाइट्रोजन चार एंगल बना रहा है, तो ऐसे ऐसे दूसरा नाइट्रोजन भी चार एंगल और बनाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल्स जो होंगे वो 8 बॉन्ड एंगल्स हो जाएंगे, तो ये इसका आंसर 8 आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ओजोन इज आर. तो ओजोन पर बेस्ड ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. ओ ओ बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल. देखिए ओजोन के अंदर रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस की वजह से हम इसके दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, और जिसके भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें एक ही टाइप की बॉन्ड लेंथ होती है, डिफरेंट टाइप की बॉन्ड लेंथ नहीं होती है. यहाँ पे जो भी बॉन्ड होगा वो डबल और सिंगल का एक एवरेज बॉन्ड होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ओ ओ बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, राइट. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इज एंडोथर्मिक. ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है. आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन को ओजोन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये जो रिएक्शन है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रेजेंस में ये कन्वर्जन होता है. तो ये अगर ऑक्सीजन का ओजोन में कन्वर्जन अगर एंडोथर्मिक है, तो ओजोन का ऑक्सीजन में डिकम्पोजिशन जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा. एक और तरीका यहाँ पे इसको चेक करने का कि ओजोन के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में वीकर बॉन्ड्स हैं, और ऑक्सीजन को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स है. तो वीकर बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं. सो ओवरऑल एनर्जी जो इस प्रोसेस के अंदर ओजोन के डिकम्पोजिशन के समय में एनर्जी रिलीज होगी, तो बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. ओजोन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. ओजोन का अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ओजोन के अंदर कहीं पे भी हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आएगा. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हैं. हम ओजोन के लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात कर सकते हैं. ट्राई एटोमिक और पॉली एटोमिक स्पीसीज होते हैं, उनकी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेना होता है, ठीक है. या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, सीधा सीधा देख लीजिए कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है या इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है. अगर इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा तो पक्का डायमैग्नेटिक ही होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा डेफिनेटली. ये पॉली एटोमिक स्पीसीज के लिए. डाई एटोमिक स्पीसीज अगर है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे हमें आंसर करना होगा. ओ थ्री हैज ए बैंड स्ट्रक्चर, ये भी एक ट्रू है हमारा स्टेटमेंट. स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए ये बैंड फॉर्म में रहेगा. सो इसमें ए करेक्ट है, सी करेक्ट है और डी करेक्ट है, बी करेक्ट नहीं है. तो ये इसका आंसर आ गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम चेक करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, कार्बन बेस्ड रिडक्शन मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ. ये पहले भी कहीं आया होगा, कार्बन बेस्ड रिडक्शन मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ. तो देखिए टिन के लिए हम कार्बन बेस्ड रिडक्शन मेथड यूज करते हैं, तो ये ए तो हमारा करेक्ट है, मतलब हमें ढूंढना है नॉट यूज फॉर दी. आयरन के लिए भी हम कार्बन बेस्ड रिडक्शन मेथड यूज करते हैं, ठीक है. एल्यूमिनियम के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड. इसमें ग्रेफाइट्स को हम लेते हैं एज ए एनोड, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो एक्चुअल में रिडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है. ऑक्साइड आयन ग्रेफाइट के सरफेस पे ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है. नेसेंट ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. इस रिएक्शन की जो फ्री एनर्जी है उसका एक एडवांटेज मिलता है ओवरऑल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर, कम एनर्जी कंजम्पशन होता है एनोड ग्रेफाइट को एनोड लेने से. लेकिन ओवरऑल डायरेक्टली कार्बन जो है एल्यूमिनियम को रिड्यूस नहीं करता है. तो एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3 के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड यूज होता है, कार्बन रिडक्शन मेथड यूज नहीं होता है. मैग्नीशियम फ्रॉम डोलोमाइट अगर देखते हैं MgCO3.CaCO3, तो मैग्नीशियम एक एक्टिव मेटल है, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, और ये इन सब के लिए भी हम कार्बन रिडक्शन मेथड यूज नहीं करते हैं. क्योंकि अगर आप यहाँ पे कार्बन रिडक्शन मेथड कर सकते हैं थ्योरेटिकली, बट वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड एंड एट दैट वेरी हाई टेम्परेचर मैग्नीशियम प्रोड्यूस मे रिएक्ट विद कार्बन टू फॉर्म मैग्नीशियम कार्बाइड, तो इसलिए कंप्लीटली वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता है. तो इस क्वेश्चन के अंदर कार्बन रिडक्शन मेथड इज नॉट यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3 एंड मैग्नीशियम फ्रॉम MgCO3 एंड CaCO3. तो इसका आंसर CnD होना चाहिए, वो CnD इसका आंसर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन के लिए हम अब एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये. तो इस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ क्लोरीन गैस विद कोल्ड एंड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर गिव सोडियम सॉल्ट्स ऑफ टू डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन P and Q रेस्पेक्टिवली. तो ये हमारे पास में क्लोरीन है, ठीक है. इस क्लोरीन को
अगर हम NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं और NaOH हमारे पास में कोल्ड एंड डाइल्यूटेड, कोल्ड एंड डाइल्यूट टाइप का है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होकर के NaCl एंड NaOCl बना देगा। ठीक है, देखिए ये तो जस्ट मतलब एक फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, और हॉट कंडीशन में अगर देखेंगे तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा और ग्रेटर एक्सटेंट तक जो है ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास में प्रोडक्ट बनेगा वो NaCl एंड NaClO3 बन जाएगा। तो ये कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर गिव सोडियम सॉल्ट ऑफ टू डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन P एंड Q रेस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास में एक ऑक्सो एसिड का सोडियम सॉल्ट आ गया और ये एक ऑक्सो एसिड का सोडियम सॉल्ट आ गया। तो यहाँ पे ऑक्सो एसिड को अगर हम चेक करेंगे तो ऑक्सो एसिड हमारे पास में HOCl होगा, और यहाँ पर अगर ऑक्सो एसिड को अगर हम चेक करेंगे तो ये HClO3 जो है वो ऑक्सो एसिड हो जाएगा। Cl2 गैस रिएक्ट विद SO2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल। ये Cl2 गैस है, SO2 गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल। तो चारकोल की प्रेजेंस में, चारकोल यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करेगा, मेन रिएक्शन जो होगी वो यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि SO2 और Cl2 के बीच में हो जाएगी। नाउ क्लोरीन जो है हमारे पास में फ्लोरीन की तरह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं उसका प्रोडक्ट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो मेरे हिसाब से आपको जस्ट थोड़ा सा पहले देख लेना होता है कि एसिड बेस टाइप की रिएक्शन होगी या रिडॉक्स टाइप की रिएक्शन होगी। तो उसमें ये जो भी सब्सटेंस है वो क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, या रिडॉक्स सब्सटेंस है, क्या है। SO2 हम जानते हैं कि एक रिडॉक्स सब्सटेंस है, कैन बिहेव बोथ एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, बट मेन इसकी जो टेंडेंसी है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने की ज़्यादा टेंडेंसी है। सल्फर जो है वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो यहाँ पे ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा और एक प्रोडक्ट बन जाएगा SO2Cl2। यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन हो गया है और सल्फर जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये SO2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल गिव्स ए प्रोडक्ट R, ये कोई प्रोडक्ट R बन गया। नाउ R रिएक्ट विद व्हाइट फॉस्फोरस टू गिव्स अ कंपाउंड S। R को हम व्हाइट फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो ये SO2Cl2 जो है वो बेसिकली एक क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह हम यूज करते हैं, प्रोवाइड क्लोरीन। तो ये यहाँ पर SO2 रिलीज हो जाएगा, क्लोरीन प्रोड्यूस होगा, वो इसके साथ रिएक्ट करके PClO5 बना लेगा यहाँ पे। एंड ऑन हाइड्रोलिसिस S गिव्स एन ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस T। अब इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो एक ऑक्सो एसिड प्रोड्यूस हो जाता है फॉस्फोरस का, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ये ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस जो है हमारे पास में टी है। तो देखिए PClO5 को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो एक नॉन रिडॉक्स चेंज हो रहा है, कोई रिडॉक्स चेंज नहीं होगा। तो इसको जब आप हाइड्रोलाइज करोगे तो ये H3PO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा, H3PO4। तो ये T आ गया, ये R आ गया, और ये हमारे पास में कुछ P एंड Q टाइप के कुछ न कुछ होंगे ही होंगे। अब इस पर बेस्ड आंसर क्या क्या है, क्वेश्चन क्या है, उनके आंसर्स को हम चेक कर सकते हैं क्या होगा। सो ये हमने एक फ्लो चार्ट बना लिया, आप इसको रेफर कर सकते हैं साथ साथ में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि P एंड Q रेस्पेक्टिवली आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ। तो ये एक हाइपोक्लोरस एसिड का सोडियम सॉल्ट है और ये क्लोरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। सो P एंड Q रेस्पेक्टिवली आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ हाइपोक्लोरस एंड क्लोरिक एसिड्स। हाइपोक्लोरस एंड क्लोरिक एसिड जो है वो इसके सोडियम सॉल्ट्स हैं। तो ये हम आंसर चेक कर लेते हैं इसका क्या है। तो इसका आंसर A है, बिल्कुल ठीक है, एक ही ऑप्शन है जिसमें हाइपोक्लोरस एंड क्लोरिक एसिड गिवन है और किसी में क्लोरिक एसिड है ही नहीं यहाँ पे, और वो D ऑप्शन के अंदर ये जस्ट आगे पीछे कर दिया है क्योंकि ये डाइल्यूट के लिए जो कह रहा है कि वो हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा और कॉन्सेंट्रेटेड के लिए जो कह रहा है वो हाइपोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो क्वेश्चन के अंदर भी ऑर्डर भी यही है, डाइल्यूट कोल्ड डाइल्यूट एंड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, R S N T रेस्पेक्टिवली R। तो ये हमारा R SO2 Cl2 है और S जो है वो PClO5 होगा
और ये H3PO4 होगा. तो ये SO2Cl2 PCl5 एंड H3PO4 ऑप्शन ए में गिवन है. सो दैट इज आवर आंसर. तो वेरी इजी पैराग्राफ. एक और पैराग्राफ हमारे पास में आ गया, तो इस पैराग्राफ को चेक कर लेते हैं कि क्या है. तो 2013 के अंदर देखिए आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज कितना ज़्यादा है, है ना. अभी तक 2013 का पेपर ही हमारा ये चल रहा है. तो इस पैराग्राफ के लिए भी एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं हम. An aqueous solution of mixture of two inorganic salts when treated with dilute HCl gave a precipitate P and filtrate Q. So, ये हमारे पास में कोई भी दो inorganic salts है. ये दो इनऑर्गेनिक सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है. इसको हमने रिएक्ट करा दिया है डाइल्यूट HCl के साथ, गिव प्रेसिपिटेट P. तो ये हमारे पास में एक प्रेसिपिटेट आ गया P और एक आ गया हमारे पास में फिल्ट्रेट Q. सो प्रेसिपिटेट P एंड फिल्ट्रेट Q. प्रेसिपिटेट P वॉज फाउंड टू डिजॉल्व इन हॉट वाटर. Precipitate was found to dissolve in hot water. ये यहाँ पे एक यूनिक की इंफॉर्मेशन है इस प्रेसिपिटेट को आइडेंटिफाई करने के लिए. नाउ फिल्ट्रेट क्यू रिमेन्ड अनचेंज्ड व्हेन ट्रीटेड विथ H2S इन डाइल्यूट मिनरल एसिडिक मीडियम. तो ये H2S हमने पास किया है डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में, ठीक है. नो चेंज, remain unchanged. However, it gave a precipitate R with H2S in an ammonical medium. Ammonical medium के अंदर अगर हम H2S गैस अगर पास कर देते हैं, it gave a precipitate R. ये एक precipitate आ गया हमारे पास में R. Precipitate R gave a colored solution S when treated with H2O2 in an aqueous sodium hydroxide. तो ये जो प्रेसिपिटेट हमारे पास में, इसको हमने ट्रीट कर दिया है H2O2 इन एन एक्वस H2O2 एक्वस NaOH मीडियम कलर्ड सॉल्यूशन. तो ये कलर्ड सॉल्यूशन S आ गया, कलर्ड सॉल्यूशन S आ गया. तो ये हमारा सिंपल सा यहाँ पे एनालिसिस हो गया है. तो यहाँ पे देखिए एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है कि टू इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का एक्वस सॉल्यूशन है, इसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराया, तो एक प्रेसिपिटेट आ गया और एक फिल्ट्रेट आ गया यहाँ पे. तो देखिए यहाँ पे कोई भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट डाइल्यूट HCl के साथ अगर प्रेसिपिटेट अगर दे रहा है, तो इसका मतलब ये जो है वो सिल्वर का कोई सॉल्ट हो सकता है, ये मर्क्यूरस का कोई सॉल्ट हो सकता है, या फिर ये लेड का कोई सॉल्ट हो सकता है. जो सॉल्ट एनालिसिस हम करते हैं उस पर बेस्ड ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है. सो दिस प्रेसिपिटेट इज क्लोराइड ऑफ सिल्वर, मर्करी एंड लेड. ये तीन है सॉल्ट एनालिसिस वाली जो इंफॉर्मेशन है उसको हम यूज कर सकते हैं. सो दिस प्रेसिपिटेट इज आइदर AgCl और मर्क्यूरस क्लोराइड और लेड क्लोराइड. Now, this precipitate is soluble in hot water. ये एक important information है, पहले ही मैंने कहा था. तो इसका मतलब ये AgCl नहीं है, ये mercurous chloride नहीं है. Lead chloride is soluble in hot water. Boric acid भी होता है, ये borax भी dissolve हो जाता है, boric acid भी dissolve हो जाता है hot water के अंदर. तो यहाँ पे कहीं पे भी अगर लिखा है कि this precipitate, ये कोई एक chloride का precipitate है, यहाँ से इस information से हम interpret कर सकते हैं. और हॉट वाटर के अंदर ये डिजॉल्व हो जा रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली वो हमारा कोई क्लोराइड है. तो यहाँ पे ये आ गया PbCl2, ठीक है. PbCl2 हमारा एक आंसर हो गया है. तो इसके अंदर वन ऑफ दी आयन जो है वो Pb2+ है. अब फिल्ट्रेट के अंदर जो है हमारे पास में देखिए एसिडिक मीडियम के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, जिसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी जो है सेकंड ग्रुप रेडिकल प्रेजेंट नहीं है, कोई भी सेकंड ग्रुप रेडिकल प्रेजेंट नहीं है. और H2S के साथ ये प्रेसिपिटेट दे रहा है, जिसका मतलब कोई फोर्थ ग्रुप रेडिकल हो सकता है या कोई थर्ड ग्रुप रेडिकल हो सकता है. फोर्थ ग्रुप टाइप का हो सकता है या फिर कोई थर्ड ग्रुप टाइप का रेडिकल हो सकता है, ठीक है जी. चलिए अब H2S के साथ
प्रेसिपिटेट आया है, तो H2S के साथ प्रेसिपिटेट आने का मतलब है कि, और अमोनिकल सॉल्यूशन भी है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है थर्ड ग्रुप का कोई हो सकता है, फेरिक का हो सकता है, ये क्रोमियम का हो सकता है, ये एल्यूमिनियम का हो सकता है, या फिर ये Zn2+ हो सकता है, ये Mn2+ हो सकता है, ये निकल 2+ हो सकता है, और ये कोबाल्ट 2+ हो सकता है। तो देखिए फेरिक तो यहाँ पर बेसिकली प्रेसिपिटेट H2S की फॉर्म में प्रेसिपिटेट नहीं हो पाएगा, ये हम रूल आउट कर देते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो प्रेसिपिटेट हो सकता है एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर यहाँ पे प्रेसिपिटेट हुआ, एल्यूमिनियम सल्फाइड नहीं होगा, अमोनिकल सॉल्यूशन है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो सकता है, एज ए सल्फाइड नहीं होगा। नाउ लेकिन अगर ये प्रेसिपिटेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अगर है, तो हाइड्रोजन परोक्साइड के साथ तो इसकी कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, कोई कलर्ड सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो इसलिए एल्यूमिनियम को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये Zn2+ का अगर प्रेसिपिटेट है, तो वो अगेन इसके साथ कोई कलर्ड सॉल्यूशन देगा ही नहीं हाइड्रोजन परोक्साइड के साथ, तो ये नहीं हो सकता है। मैंगनीज का अगर कोई सॉल्यूशन है हमारे पास में, तो हाइड्रोजन परोक्साइड के साथ वो कोई कलर्ड सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, वो प्रेसिपिटेट बना देगा, MnO2 की फॉर्म में ऑक्सीडाइज होकर के प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब आप सोच सकते हो कि MnO4- तक चला जाएगा और कलर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा कि इसको आगे तक कर देगा सीज के लिए। तो ये मैंगनीज भी मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है, और ये तो सिंपल से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे और इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। बट एक हमारा इंपॉर्टेंट कैंडिडेट छूट रहा है यहाँ पे, और वो है क्रोमियम। तो अमोनिकल सॉल्यूशन के अंदर क्रोमियम प्रेसिपिटेट हो जाएगा एज ए क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट आया है वो एल्कलाइन मीडियम के अंदर H2O2 से ऑक्सीडाइज होकर के क्रोमेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा Cr4 2- के अंदर, क्रोमेट जो होते हैं वो येलो कलर के हो जाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से फिल्ट्रेट के अंदर जो है वो क्रोमियम होना चाहिए, फिल्ट्रेट के अंदर क्रोमियम होना चाहिए, और भी कुछ हो सकता है, बट ये अभी हमारा एनालिसिस जो है इतना कह रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में प्रेसिपिटेट पी कंटेन्स Pb2+, तो प्रेसिपिटेट पी के अंदर Pb2+ आएगा, ये शॉर्ट हमने पहले ही चेक कर लिया, तो इसका आंसर ए आ गया हमारा। नाउ कलर्ड सॉल्यूशन एस कंटेन्स, तो कलर्ड सॉल्यूशन एस के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसको हम रूल आउट कर चुके हैं, ये नहीं होगा, ठीक है। कॉपर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे ये एसिडिक मीडियम में H2S गैस पास करने से कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि कोई सेकेंड ग्रुप रेडिकल प्रेजेंट नहीं है। जिंक को भी हम रूल आउट कर चुके हैं, इसके साथ जो रिएक्शन है उससे हमें नहीं लग रहा है। अब ये हो सकता था, लेकिन MnO4- तक जाना पड़ता, बट ऑप्शन के अंदर आपके पास में है ही नहीं, इन्हीं ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि ये S क्या है। S के अंदर वही होगा जो जिसमें R का प्रेसिपिटेट होगा, तो R के अंदर यहाँ पे एक बेस्ट कैंडिडेट हमें ये दिख रहा है, समझ रहे ना आप। क्वेश्चन के अनुसार हमें थोड़ा सोचना है, ये मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे मेंशन किया था कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट क्वेश्चन के बेसिस पे आप देखोगे तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर ये है, तो डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, वो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आ गया है, तो ये 2013 का है, तो चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। सो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस गिवन इन लिस्ट 1 शो मिसिंग रिएजेंट्स और कंडीशंस व्हिच आर प्रोवाइडेड इन लिस्ट 2, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो दिस लिस्ट। तो देखिए PbO2 को H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हो, H2SO4 एक एसिड है, PbO2 एम्फोटेरिक होता है, लेड के जो दोनों ऑक्साइड्स हैं PbO एंड PbO2 ये एम्फोटेरिक है, तो वैसे तो एक सिंपल सी हमारे पास में रिएक्शंस हो जाएगी, बट आप इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ठीक है। यहाँ पे जो PbO2 है उसके अंदर Pb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, और यहाँ पे जो Pb है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो इसका मतलब ये रिड्यूस हो गया, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, सल्फर का कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता। PbO2 के अंदर जो O है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ गया, तो इसका मतलब है कि ये H2SO4 जो है यहाँ पे इस PbO2 को डिकम्पोज कर रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो जस्ट हीट करने से ये काम हमारा हो सकता है, PbO2 ऑन हीटिंग गेट डिकम्पोज। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही होगी, कैसे रिएक्शन हो रही होगी, ये हम बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये PbO2 है, ठीक है, वार्म करेंगे, हीट करेंगे, तो डिकम्पोज हो जाएगा PbO और O2 के अंदर, ठीक।
नाउ PbO जो प्रोड्यूस हुआ है, जैसे मैंने कहा था कि इसके दोनों ऑक्साइड जो हैं वो एम्फोटेरिक होंगे, ये इसके साथ रिएक्ट करके PbSO4 बन जाएगा और H2 आ जाएगा। अब इन दोनों रिएक्शंस को अगर आप ऐड करेंगे तो ये जो लिस्ट वन के अंदर P ऑप्शन में जो गिवन है वो आ जाएगा। सो PbO2 प्लस H2SO4, ठीक है, ऑन हीटिंग प्रोड्यूस PbSO4 प्लस हाफ O2 प्लस H2O अदर प्रोडक्ट वाला आ गया, तो ये P आ गया। तो P के अंदर हमारा जो मैच करेगा वो 3 मैच करेगा, सो P के साथ 3 है, वार्म करना पड़ेगा हमें। सेकेंड रिएक्शन के अंदर ये है सोडियम थायोसल्फेट, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। तो सोडियम थायोसल्फेट के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सल्फर पर सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालता हूँ तो +2 आता है, और प्रोडक्ट साइड के अंदर जो सल्फर है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसका मतलब हमें कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा। अब प्रोडक्ट साइड में अगर आप लिस्ट 2 के अंदर देखोगे तो NO भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, आयोडीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, और क्लोरीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। अब बड़ा आसान हो गया, देखो आप जानते हो कि सोडियम थायोसल्फेट को जब आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम टेट्राथायोनेट बनता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट नहीं बनता है। प्रीवियस वीडियो के अंदर, किसी एक वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे ये जो है क्लोरीन के साथ सोडियम थायोसल्फेट की रिएक्शन को भी देखा था, है ना। तो वो एक मैंने बताया था कि सोडियम थायोसल्फेट जो है वो एंटी क्लोर की तरह यूज़ होता, तो यहाँ पे वही वाली इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आ गई है। तो क्यू के अंदर जो है हमारा ऑप्शन 4 जो है मैच करेगा लिस्ट 2 से। नाउ N2H4 है, इसको हम N2 और अदर प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो N2H4 को अगर आप देखेंगे तो ये सिंपल सा जो है हमारे पास में नाइट्रोजन यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। इसका ऑक्सीडेशन करना है, अगेन वी नीड सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन हमें देखना है, तो हमें वैसे तो हमारा पी के बेसिस पे आंसर और क्यू के बेसिस पे आंसर आ जाना चाहिए। पी के लिए हम कह रहे हैं 3 है और क्यू के लिए हम कह रहे हैं 4 है, पी के लिए 3 और क्यू के लिए 4, तो डी आंसर आ जाएगा। ये ऐसे ही हमें क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं आपको। अब बस यहाँ पे मैं बता देता हूँ एडिशनली कि ये जो हमारे पास में N2H4 है, वेल नॉन रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो आयोडीन जो है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके साथ रिएक्ट करके इसको जो है वो कन्वर्ट कर देगा। आयोडीन के साथ हम रिएक्शन करा सकते हैं, तो R जो हमारा 2 हो जाएगा। नाउ ज़िनॉन का जो फ्लोराइड है उसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराना होगा, बिकॉज ज़िनॉन फ्लोराइड्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे NO जो है वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कैन बिहेव बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो P के अंदर 3 हो गया हमारा, Q के अंदर डेफिनेटली 4 होगा ही होगा, और कोई अल्टरनेट हम Q के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, इस बेसिस पे हम आंसर कर रहे हैं यहाँ पे। R के अंदर जो है आप क्लोरीन भी ले सकते हो, आयोडीन भी ले सकते हो, ठीक है ना, NO भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। S के अंदर जो है वो अगेन हम एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी हमें, और यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए अप्रोप्रिएट कैंडिडेट जो है वो NO ही है और कोई नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो हमारा इसका आंसर जो है वो डी होना चाहिए, ये आंसर इसका डी आ गया। नाउ 2014 के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए, तो 2014 के अंदर ये कह रहा है अपॉन हीटिंग विथ Cu2S द रिएजेंट्स दैट गिव कॉपर मेटल इज आर, कॉपर मेटल प्रोड्यूस होना चाहिए। इसका मतलब सारे रिएजेंट्स को अगर देखेंगे तो इनमें कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, कुछ में +1 में है, कुछ में +2 के अंदर है। अब इसको Cu2S के साथ रिएक्ट करा दिया तो वो कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। इसका मतलब उस रिएजेंट का क्या हो जाना चाहिए, रिडक्शन हो जाना चाहिए। तो Cu2S रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, एंड सल्फाइड्स बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, सल्फाइड्स बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जो सेल्फ रिडक्शन मेथड होता है उसके अंदर हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि जो हमारे पास में बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन के अंदर सिर्फ एक ही रिड्यूसेबल सब्सटेंस है कॉपर +2, सी ऑप्शन के अंदर भी एक ही रिड्यूसेबल सब्सटेंस है कॉपर +2, डी ऑप्शन के अंदर एक ही रिड्यूसेबल सब्सटेंस है कॉपर +2। सल्फेट का रिडक्शन भूल जाइए, सल्फाइड सल्फेट से रिड्यूस हो जाएगा, नॉट पॉसिबल अंडर नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन। लेकिन जो ए ऑप्शन है उसको अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर दो दो रिड्यूसिंग सब्सटेंसेज हैं, दो दो सब्सटेंसेज हैं जो रिड्यूस हो सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास में ये आंसर इसका जो है बी सी और डी आना चाहिए, क्योंकि ए के अंदर कॉपर +2 में भी है और आयरन जो है वो भी है हमारे पास में, तो आयरन भी रिड्यूस हो सकता है, कॉपर रह सकता है, मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो पहले चला जाएगा, वेरियस पॉसिबिलिटी की नज़र आएगी यहाँ पे, कुछ और पैरेलल रिएक्शन भी होगी। तो इसलिए ए
से कम्प्लीटली डायरेक्टली कॉपर मेटल ऑप्टेंड नहीं होगा, तो इसलिए बी सी डी के लिए हम आंसर को कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऑर्थोबोरिक एसिड इज आर. ऑर्थोबोरिक एसिड को हमें कंसिडर करना है और ऑर्थोबोरिक एसिड के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा. सो इट बिहेव एज ए वीक एसिड इन वाटर ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन. ऑर्थोबोरिक एसिड डू नॉट आयोनाइज इन वाटर, इट्स नॉट ए प्रोटिक एसिड, इसलिए इसका आयोनाइजेशन तो होगा ही नहीं, तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा. एसिडिटी ऑफ इट्स एक्वा सोल्यूशन इंक्रीजेज अपॉन एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे आप इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करते हो तो क्या होगा, ली शटलर प्रिंसिपल टाइप का एक इफेक्ट होने लगेगा. ये हमने ऑर्थोबोरिक एसिड ले लिया H3BO3, इसको वाटर में ड्रॉप कर दिया, तो ओवरऑल वाटर के 2 moles जो हैं वो कंज्यूम होते हैं और ये इसका एक कॉन्जुगेट बेस टाइप का प्रोड्यूस हो जाता है और ये H3O+ बन जाता है. अब इथाइलिन ग्लाइकोल इसके अंदर जब हम ऐड करेंगे तो ये भी एक हमारे पास में कोवेलेंटली हाइड्रोक्सी कंपाउंड है और ये भी एक हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, इनके बीच में रिएक्शन होने लगेगी और रिएक्शन हो करके ये एक जो है इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. एक्सेस में अगर है तो ये फर्दर रिएक्ट करने लगेगा इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, तो उस साइड से भी रिएक्ट कर जाएगा ये और प्रोडक्ट जो है इस टाइप का बनेगा, ये B-. तो यहां पे ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल अगर हम ऐड करेंगे तो ये प्रोडक्ट रिमूव हो गया, ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा. तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो मोर एंड मोर H+ ion प्रोड्यूस हो जाएंगे सिस्टम के अंदर और इसकी जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. सो एसिडिटी ऑफ इट्स एक्वा सॉल्यूशन इंक्रीजेज अपॉन एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है. इट हैज़ ए 3-dimensional स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसका स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, लेकिन वो एक लेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो एक शीट टाइप स्ट्रक्चर होता है, वो 3-dimensional स्ट्रक्चर नहीं होगा. शीट टाइप स्ट्रक्चर होंगे, लेयर टाइप स्ट्रक्चर होंगे बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, यस, डू नॉट रिमेन फुल्ली आयोनाइज्ड इन वाटर, सो इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर. तो ये हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, तो इसके लिए आंसर बी और डी हमें नजर आ रहे हैं करेक्ट. तो ये बी और डी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास में, और वो कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन करेक्ट स्टेटमेंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन इज आर. तो इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं और फिर ढूंढ लेते हैं कि करेक्ट एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा. ये I- है और इसको ClO3- के साथ रिएक्ट करा रहे हैं H2SO4 की प्रेजेंस में. प्रोडक्ट जो है वो Cl- HSO4- और I2 है एच पर क्वेश्चन. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जा रहा है, तो +5 से -1 में जाने के लिए इसको 6 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन करना होगा. लेकिन ये जो I- है इसके अंदर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के लिए ये 1 mole इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करेगा. तो अब यहाँ पे इनकी केमिस्ट्री को अगर हमें मैच करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड बाई 1 mole ऑफ क्लोरेट आयन आर 6 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाई 1 mole ऑफ आयोडाइड आयन इज 1. तो इसलिए इनकी केमिस्ट्री के लिए इसका एक पार्टिकल होगा और इसके 6 particles होंगे और उसका एक पार्टिकल होगा, तब जाकर के ये रिएक्शन हमारी बैलेंस होगी. तो इसका मतलब है ये सारा का सारा आयोडीन इधर आ जाएगा, 3I2 बन जाएगा और ये जो है हमारे पास में एज इट इज ऐसे ही रहेगा. चलिए अब यहाँ पर ये अलग हो गया, 3 oxygen यहाँ से सेपरेट हो गए, तीनों ऑक्सीजन यहाँ से H+ ion पिकअप करके 3 H2O प्रोड्यूस कर देंगे साथ में, तो ये 3 H2O जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा. और अब यहाँ पे ये जो H+ ion जो बनेगा हमारे पास में वो सारा H2SO4 से ही आना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन की तरह आ रहा है, तो यहाँ पे हमें 3 oxygen के लिए 6 watt H+ ion की रिक्वायरमेंट होगी एंड ऑल 6 H+ ion आर ऑप्टेन्ड फ्रॉम H2SO4. तो ये 6 H2SO4 से 6 HSO4- हो जाएगा. तो अब आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास में हाइड्रोजन सारे बैलेंस है या नहीं है.
तो ये रिएक्शन जो है वो कम्प्लीटली बैलेंस रिएक्शन हो गई है. अब हम चेक कर लेते हैं कि इसके ऑप्शंस जो है क्या है. तो ये कह रहा है कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HSO4 माइनस इज 6. स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HSO4 माइनस इज 6. तो ये HSO4 माइनस का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 6 आ गया. करेक्ट है. आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड, तो आयोडीन माइनस वन स्टेट से जीरो स्टेट में चला गया, तो आयोडीन ऑक्सीडाइज हो गया. ए करेक्ट है, बी भी करेक्ट है. सल्फर इज रिड्यूस्ड, नो सल्फर इज नॉट रिड्यूस्ड, सल्फर इज नॉट रिड्यूस्ड. H2O इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, यस H2O इज वन ऑफ द प्रोडक्ट. तो ये डी ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है हमारा. चलिए अब यहां पे थोड़ा सा एक और सोचने वाली बात है कि ये इस रिएक्शन के अंदर हमने आइंस कंसिडर की हैं. ये देखिए सिर्फ एनाइन ले रखे हमने, इनके कैटाइन तो मिसिंग है, अकेला एनाइन तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, इनके साथ में कैटाइन भी होंगे. कैटाइन अगर है तो इसका मतलब ये रिएक्शन किसी सॉल्ट को लेकर के करने से हुआ होगा. हो सकता है कि ये पोटेशियम आयोडाइड हो और ये पोटेशियम क्लोरेट हो, तो इधर भी पोटेशियम रहेगा, पोटेशियम पोटेशियम एलिमिनेट हो गया फाइनल रिएक्शन के अंदर. लेकिन पोटेशियम अगर है सॉल्यूशन के अंदर तो इसका मतलब ये तो एक्वस फेज ही होगा, और एक्वस फेज अगर है तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट. तो ये यू मे और मे नॉट कंसिडर H2O एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, H2O पहले से ही प्रेजेंट है. सिर्फ आप ये कह सकते हो कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन में, उसके मोल्स में, उसकी क्वांटिटी में चेंज आएगा. तो ये एक जस्ट मतलब पार्ट ऑफ डिबेट है. देखते हैं इसके आंसर्स के अंदर क्या है हमारे पास में, ठीक है ना. तो मेरे हिसाब से इसमें देखिए ए बी और डी हम आंसर करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो अभी मैंने फाइनली एक एनालिसिस किया है कि ये एक्वस फेज में रिएक्शन हो रही है, वाटर पहले से ही प्रेजेंट है, तो वाटर तो पहले से ही प्रेजेंट है, तो इसलिए वाटर का जो अमाउंट है वो चेंज होगा. एज ए प्रोडक्ट वाटर यहाँ पे अपियर नहीं हो रहा है. तो ये डी मे और मे नॉट बी द करेक्ट आंसर. तो ऑफिशियल आंसर को अगर देखेंगे तो वो ए बी और डी को कंसिडर कर रहे हैं और ए डी भी कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे. तो बोथ वे इट इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं. और ये एक पेयर ऑफ रिएजेंट्स दैट यील्ड पैरामैग्नेटिक स्पीसीज इज आर, तो सोडियम एंड एक्सेस ऑफ अमोनिया. बिल्कुल सोडियम इन लिक्विड अमोनिया हम डाल देते हैं तो पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशंस प्रोड्यूस हो जाता है. पोटेशियम एंड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड्स बन जाएगा, वो भी पैरामैग्नेटिक होगा. कॉपर एंड डाइल्यूट HNO3 के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो NO प्रोड्यूस होगा. NO जो है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर. O2 और 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल के बीच में रिएक्शन होगी तो उससे हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है. तो ये इसका आंसर ए बी सी होना चाहिए, और ये ए बी सी हमारा इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें फाइंड आउट करना है, ए लिस्ट ऑफ स्पीसीज हैविंग द फॉर्मूला XZ4 इज गिवन बिलो, डिफाइनिंग शेप ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ एक्स एंड जेड एटम्स द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग स्क्वायर प्लेनर शेप. स्क्वायर प्लेनर शेप हमें प्रेडिक्ट करना है. तो देखिए इसमें तो जिनॉन के कुछ कंपाउंड्स का स्क्वायर प्लेनर शेप हो सकता है, आयोडीन के कुछ कंपाउंड्स का, या ब्रोमीन के कुछ कंपाउंड्स का, या क्लोरीन के कुछ कंपाउंड्स का शेप स्क्वायर प्लेनर हो सकता है. प्लेटिनम 2+, Pd2+, Cu2+ के कुछ कंपाउंड्स का स्क्वायर प्लेनर हो सकता है. तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली जो है मैं आपको बता देता हूँ कि किसका क्या होगा, आंसर भी आ गया है. ठीक है, तो ये जो XeF4 है ये तो स्क्वायर प्लेनर होता ही होता है, तो ये एक हमारा आंसर होगा ही होगा. SF4 स्क्वायर प्लेनर नहीं होता, शीशा शेप का होता है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये टेट्राहेड्रल होगा. सेकंड पीरियड एलिमेंट तो कभी भी स्क्वायर प्लेनर होगा ही नहीं, थर्ड पीरियड एलिमेंट भी स्क्वायर प्लेनर नहीं हो सकता है. ठीक है जी, और ये BF4- जो है ये भी नहीं होगा, BrF4- हो सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के साथ है, तो यहाँ पे ये Br4- जो है हमारा स्क्वायर प्लेनर टाइप का शेप एक्वायर कर सकता है. और ये तो वेल नोन जो है अमीन कॉम्प्लेक्स एंड एक्वा कॉम्प्लेक्स ऑफ Cu2+ आर स्क्वायर प्लेनर, ये टेट्राहेड्रल टाइप का होगा, ये भी टेट्राहेड्रल टाइप का होगा, लेकिन ये यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेनर टाइप का स्पीसीज जो है हमें नज़र आएगा. ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4 स्पीसीज यहाँ पे हमें नज़र आ गई है स्क्वायर प्लेनर टाइप की. ठीक है, और इसमें कोई भी स्क्वायर प्लेनर हो ही नहीं सकता है. डिफाइनिंग शेप ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ एक्स एंड जेड एटम्स द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग ए स्क्वायर प्लेनर शेप इज. देखिए ये भी नहीं होगा,
और ये भी नहीं होगा। ये टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, बस ये यहाँ पे जो है हमारा डाउटफुल है, तो ये स्क्वायर प्लेनर तो नहीं होता। इसका जैसे शेप अगर मैं बनाता हूँ तो ये हमारे पास में SF4 का शेप जो है वो इस टाइप का होगा। सो यू कांट कॉल इट एज अ स्क्वायर प्लेनर शेप, ये एक फोल्डेड स्क्वायर टाइप का ज़रूर कह सकते हो आप इसको, फोल्डेड स्क्वायर। तो ये फोल्डेड स्क्वायर के बेसिस पे अगर एग्जामिनर इसको स्क्वायर प्लेनर अगर कंसिडर कर रहा है, सॉरी फोल्डेड, तो आई कांट कमेंट, बट मेरे हिसाब से ये एग्जैक्टली स्क्वायर प्लेनर तो नहीं है, ये फोल्डेड स्क्वायर टाइप का होगा। फोल्डेड स्क्वायर में भी वो इस टाइप से रहेगा, एग्जैक्टली स्क्वायर प्लेनर शेप में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 4 होना चाहिए, नॉट 5। तो ऑफिशियल आंसर में कुछ करेक्शन है नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अमंग PBS, CUS, HGS, MNS, Ag2S, NIS, मतलब कुछ मेटल सल्फाइड्स गिवन है, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कलर्ड सल्फाइड्स, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कलर्ड सल्फाइड्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो ब्लैक कलर्ड सल्फाइड्स को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में ब्लैक कलर के सल्फाइड्स में क्या क्या मिल सकता है। देखिए PBS जो है वो ब्लैक कलर का है, एक ये आंसर होगा हमारा। CUS जो है वो भी ब्लैक कलर का है, ये भी आंसर होगा। HGS जो है ब्लैक कलर का है, ये भी आंसर होगा। MNS बफ कलर्ड होता है, तो ये ब्लैक कलर का नहीं है, इसको हमें कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। ये बफ कलर्ड है, नॉट ब्लैक कलर्ड। सिल्वर का जो सल्फाइड है वो ब्लैक कलर का होगा, निकल का सल्फाइड भी ब्लैक कलर का होगा, कोबाल्ट का जो सल्फाइड है वो भी ब्लैक कलर का होगा, और ये बिस्मत के जो सल्फाइड है, ठीक है, बिस्मत का सल्फाइड अगर हम देखते हैं तो इसमें ऑप्शनल है कि ये जो है बेसिकली ब्लैक कलर का भी होता है और ब्राउन कलर का भी होता है। तो अब इसको काउंट करना है नहीं करना है ये देखना है। और SNS2 जो होगा वो येलो कलर का होगा, SNS2 जो है वो येलो कलर का होगा, इसको कंसिडर तो बिल्कुल नहीं करना है। तो हमारे पास में पहले देख लेते हैं क्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 तो परफेक्टली ब्लैक कलर के हैं, ये 6 परफेक्टली ब्लैक कलर के हैं। ये जो बिस्मत का जो सल्फाइड है इसकी डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स होती है, तो डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स होने की वजह से कुछ पॉलीमॉर्फिक फॉर्म जो है वो ब्लैक कलर की होती है और कुछ फॉर्म जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है। तो अब हमें नहीं पता है कौन सी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में ये एज अ सल्फाइड प्रेसिपिटेट हुआ है, ठीक है, वो तो जस्ट ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो तो सॉलिड स्टेट का काम है। सॉलिड स्टेट के हिसाब से हम उसकी जो है अरेंजमेंट को चेक करेंगे और फिर बताएंगे कौन सी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है, और अकॉर्डिंगली उसके अंदर कुछ सल्फाइड आयन का पोलराइजेशन होगा कैटाइन से, और उस पोलराइजेशन के अंदर फिर विजिबल रेडिएशन, किस वेवलेंथ का विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें दो आंसर हो सकते हैं, 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं कि ऑफिशियल आंसर क्या, 6 और 7 ऑफिशियल आंसर है इसका। नाउ 2014 का हमारे पास में एक और क्वेश्चन है, और ये कंसिडर दी फॉलोइंग लिस्ट ऑफ रिएजेंट्स, टोटल नंबर ऑफ रिएजेंट्स दैट कैन ऑक्सीडाइज एक्वस आयोडाइड टू आयोडीन। देखिए मैंने बताया था ना कि एक्वस आयोडाइड को आयोडीन में अगर आपको ऑक्सीडाइज करना है तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होनी चाहिए या न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं कि एसिडिक मीडियम के अंदर कौन सा आ जाएगा, तो ये हमारे पास में मिल जाएगा एसिडिफाइड डाइक्रोमेट हम कंसिडर कर सकते हैं, और एल्कलाइन कंसिडर नहीं करेंगे। CuSO4 जो आयोडोमेट्री रिएक्शन होती है उसके बेसिस पे आप कंसिडर कर सकते हैं। H2O2 एक वेल नॉन रिडॉक्स सब्सटेंस है, और आयोडाइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, इनकी रिएक्शन हो जाएगा। मोर रिएक्टिव हेलोजन कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव हेलोजन, ओजोन भी KI को ऑक्सीडाइज कर देगा, फेरिक क्लोराइड जो है वो भी इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। हमने एक क्वेश्चन देखा था रिमेंबर कि KI, एक्सेस ऑफ KI इज ट्रीटेड विद K3FeCN6, तो वहाँ पे वो आयरन फेरिक फॉर्म में ही था, वही वाला रिएक्शन यहाँ पे वापस से देखो रिपीट हो गया कॉन्सेप्ट। और नाइट्रिक एसिड जो है वो एक वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में, तो आयोडाइड हमेशा आयोडीन में ही ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। वो जो रिएक्शन आप पढ़ते हो वो आयोडीन की HNO3 के साथ रिएक्शन पढ़ते हो जिसमें आयोडिक एसिड प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करना है, तो नाइट्रिक एसिड यूज किया जा सकता है। ये तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये KI के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये I2 के साथ रिएक्ट करता है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका। तो करेक्ट आंसर इज 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ SOCl2 विद व्हाइट फॉस्फोरस इज, तो व्हाइट फॉस्फोरस की जो रिएक्शन है SOCl2 के साथ एंड SO2Cl2 के साथ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. तो ये जो हमारे पास में व्हाइट फॉस्फोरस की जो रिएक्शन है SOCl2 के साथ, इसके जो प्रोडक्ट है, इफ यू रिमेम्बर करेक्टली, PCl3 बन जाता है, SO2 बन जाता है एंड डाइमेरिक फॉर्म ऑफ सल्फर मोनोक्लोराइड बन जाता है. तो ये हम यहाँ पे ऑप्शन को अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन के अंदर PCl3 गिवन है, तो दैट इज दी आर आंसर. और SO2 नहीं है यहाँ पे, और S2Cl2 भी नहीं है, तो ये तो गिवन नहीं है, तो एक ही गिवन है. तो हमारा इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. ये तो 2014 का पेपर 2 का हमने एक क्वेश्चन कर लिया है यहाँ पे, तो 2014 के पेपर 2 के क्वेश्चंस का डिस्कशन हो गया. तो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आप वॉच कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच.